बेटा बिरजू, देख मैं तेरे लिए अपने बाग से आम लाया हूँ। बहुत मीठा आम है, ले बेटा खा ले। मैं नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खा ले बेटा बिरजू, जब तक मेरी शादी नहीं कराओगे मैं नहीं खाऊंगा। शादी? अरे बेटा मैंने टीवी पर देखा है, एक बूढ़ा तो 80 साल का हो गया था तब शादी किया। ले खा ले बेटा। मैं नहीं खाऊंगा। खा ले बेटा। मैं नहीं खाऊंगा। खा ले बेटा। मैं नहीं खाऊंगा। जब फैसला हो चुका है कि तेरी शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। मैं नहीं खाऊंगा। खाना है कि नहीं? मैं नहीं खाऊंगा। मैं खाता हूँ। बहुत जिद्दी भांजा है। चाचा चाचा, आपने बिरजू को कुछ बोला था क्या? नहीं तो? वो तो रेलवे लाइन की तरफ रोते हुए जा रहा है। रेलवे लाइन की तरफ रोते हुए जा रहा? ओह नो, हे भगवान, बिरजू। छिपे हो तुम बाहर आ जाओ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मामा। बिरजू, अरे बेटा तू ठीक तो है? हाँ मामा, मैं तो आम खाने गया था बगीचे में। आम खाने गया था? हाँ मामा। ठीक है बेटा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तुम अपनी शादी करोगे, मेरी शादी नहीं करोगे? अरे बेटा तू समझा नहीं, मैं तेरी शादी करने के लिए कह रहा हूँ। अब खुश है ना बेटा? हाँ मामा, लेकिन मैं ऐश्वर्या राय से ही शादी करूँगा। ऐश्वर्या से? हाँ मामा। अरे बेटा उसकी शादी हो चुकी है। नहीं नहीं, मैं उसी से शादी करूँगा। मैं उसी से शादी करूँगा। अरे बेटा कहा ना कि उसकी शादी हो चुकी है। मैं उसी से कहूँगा, मैं आम नहीं खाऊंगा। अरे बेटा आम मत फेंकना, मैं तुम्हारी शादी ऐश्वर्या से ही कराऊंगा। हाँ मामा, मेरी शादी ऐश्वर्या से होगी। शादी तो हाँ कर दी, लेकिन ऐश्वर्या कहाँ मिलेगी? और चाचा क्या हाल चाल है फुरमा लगा के? हाल तो ठीक है बेटा, लेकिन चाल गड़बड़ है। अरे चाचा चाल में क्या हो गया फुरमा लगा के? अरे क्या बताऊँ बेटा, मेरा भांजा जो बिरजू है वो ऐश्वर्या से शादी करने की जिद कर रहा है। ऐश्वर्या से? वो जिद करके बैठा है कि मैं शादी करूंगा तो ऐश्वर्या से ही करूंगा। तो करा दीजिए शादी ना फुरमा लगा के। अरे कैसे करा दूं, उसकी तो मुंबई में शादी हो चुकी है। अरे चाचा आप मेरा मतलब समझे नहीं, एक दूसरी लड़की है ना ऐश्वर्या फुरमा लगा के। हाँ? दूसरी लड़की है? मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है ऐश्वर्या फुरमा लगा के, उसके पिताजी उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं फुरमा लगा के। उसी लड़की से आपके भांजे की शादी करा देता हूँ फुरमा लगा के। अरे बेटा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, सुरमा लगा के। हाँ चाचा फुरमा लगा के। लेकिन बेटा शादी के लिए मेरी तरफ से एक शर्त है। चाचा कैसी शर्त फुरमा लगा के? बात यह है बेटा, अरे चाचा ये कोई बात है फुरमा लगा के? तब ठीक है बेटा। और बेटा सब बात कर लिए हो ना? अरे चाचा जवान के पक्के हैं, आपकी सभी इच्छा पूरी होगी फुरमा लगा के। अच्छा? हाँ, 10 लाख कैश नगद, 1 फॉर्चूनर, 5 सोने की अंगूठी फुरमा लगा के। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो दिल में हमारे है, समझ रहे हो ना? अरे चाचा फफ मर रहे हैं फुरमा लगा के, तो पहुँचने की देरी है फुरमा लगा के। अरे चलो बेटा आओ चलो। ऐश्वर्या बेटी, अरे सब तैयारी हो चुकी है ना?
जी पापा जी, सब तैयारी हो गई है। अरे काली चरण के यहाँ से पेड़ा आ गया है? जी पापा जी, वो तो सुबह में ही आ गया था। अच्छा बेटा, अच्छा ठीक है। अरे लंबा दा चाचा। हाँ हाँ, आइए आइए, आप ही लोगों ने इंतजार था। बैठो बैठो बैठो। नमस्कार नमस्कार। हमें लगता है हम 40 साल पहले कहीं मिले हैं। हाँ, मिले नहीं हैं, रायबरेली जेल में हम लोग बंद थे। हाँ, याद आ, डकैती केस में। डकैती? अरे यार, क्या दादी कहानी सुनाने लगे। बैठिए सर, बैठिए। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। अरे चाचा, एफओडीआर तैयार है फुरमा लगा के? अरे वो तो सुबह से ही तैयार बैठी है बेटा। तो बुलाइए फुरमा लगा के। अभी बुलाता हूँ। अरे भाई साहब, अभी मत बुलाइए। क्यों? अरे चाचा, पूरा दहेज तो मिल ही रहा है, तो बुलाइए लड़की को फुरमा लगा के। अरे बेटा, समझते नहीं हो, जो मैंने बात कहा था, पहले रिपोर्ट तो मंगवाओ। क्या? अरे बेटा, मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट? भाई साहब, क्या खुसुर पुसुर हो रहा है। मेडिकल रिपोर्ट? कैसा मेडिकल रिपोर्ट? अरे भाई साहब, एक छोटी सी मेडिकल रिपोर्ट की बात है और कुछ नहीं। छोटी सी मेडिकल रिपोर्ट? ओह नो। भाई साहब, दरअसल बात यह है ना कि मैंने ऐश्वर्या बेटी की एक छोटी सी मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। हैं? ऐश्वर्या की मेडिकल रिपोर्ट, ये किस लिए? दरअसल बात यह है भाई साहब कि हम लोगों के बचपन में दादा बाबा लोग जब लड़की देखने जाते थे तो पारिवारिक दोस्त के बारे में पता करते थे कि कहीं लड़की को कोई दोस्त तो नहीं है। भाई साहब, आपको तो मालूम ही है कि तब से अब जमाना बदल चुका है। आजकल ऐसा समय आ गया है कि 10 इंसान में से एक इंसान को जरूर शुगर होता है। शुगर? तो मैंने सोचा ऐश्वर्या बेटी का मेडिकल रिपोर्ट जान लेते हैं कि कहीं शुगर उगर तो नहीं है, और कहीं ऐसा न हो कि मैं शुगर वाली बहू ले जाऊं और दूसरे ही दिन से ले डॉक्टर, ले जांच, ले डॉक्टर, ले जांच, ले दवाई, ले रुपया, ले दवाई, ले रुपया, घर फूंक तमाशा देख। बस भाई साहब, बहुत हो गया बकवास। आप ऐसे घटिया इंसान के घर मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। ठहरे आप पुराने परिचित, नहीं तो धक्के मार के भी आपको मैं भगाता। आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाइए, निकल जाइए। अरे चाचा, बिरजू की तबीयत खराब हो गई है। हे भगवान, क्या हो गया? वो बेहोश हो गया है। अरे बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। बेटा मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया चाचा, फुरमा लगा के? शुगर की बीमारी। अरे क्या हो गया मेरे भांजे को? कुछ नहीं चाचा, डॉक्टर ने एक छोटी सी बीमारी बताई है। छोटी सी बीमारी? डॉक्टर ने इन्हें शुगर की बीमारी बताया है। शुगर?